ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बट क्या कभी आप नहीं सुना है कि फ्रस्ट्रेशन इज ऑल्सो द मदर ऑफ इन्वेंशन अरे कहना क्या चाहते हो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में ऐसे इन्वेंशन हो जाते हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपेक्ट डालते हैं हाय माय नेम इज मनीष पांडे और आज हम सुनेंगे फाउंटेन पेन की कहानी ये कहानी है लिविस हैमिल्टन की जिन्होंने वो फाउंटेन पेन बनाया जो आज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ऐसा नहीं है कि वॉटरमैन से पहले फाउंटेन पेन नहीं थे उनसे पहले भी कई सारे फाउंटेन पेन थे सबसे पहले फाउंटेन पेन का डिजाइन बनाया था फ्रांस के एम बायोन ने ईयर 1702 में उसके बाद पेरेग्रिन विलियमसन को ईयर 1809 में मिला फर्स्ट अमेरिकन पेटेंट फॉर फाउंटेन पेन जॉन सेफर को हाफ फिल हाफ मेटल पेन का ब्रिटिश पेटेंट मिला 1819 में अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। उसके बाद 1831 में जॉन जैकब पार्कर ने अपना सेल्फ फिलिंग फाउंटेन पेन पेटेंट किया ये सभी फाउंटेन पेन बर्ड फेदर के हॉलो चैनल से इंस्पायर्ड थे और इन सभी डिजाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इंका फैलना और यहाँ एंट्री होती है लिविस वॉटरमेन की 1883 में न्यूयॉर्क में वाटरमैन की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एक क्लाइंट के साथ ये एक बहुत बड़ी डील थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही वाटरमैन का फाउंटेन पेन से इंक फैल गया और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पूरी तरीके से खराब हो गया अब वाटरमैन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेने भागे तो सही बट जब तक वो वापस आते तब तक उनके ही एक कॉम्प्यूटर ने ये डील साइन कर लिया अब इस इंसिडेंट के बाद वाटरमैन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया एक ऐसा फाउंटेन पेन बनाने का जो कभी ऐसे लीक ना हो वॉटरमैन ने कैपिलरी प्रिंसिपल का यूज किया अपने पेन को बनाने में उन्होंने इसका नाम रखा द रेगुलर अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ट्रीटी ऑफ वर्साय लिविस वॉटरमेन के सॉलिड गोल्ड फाउंटेन पेन से ही साइन हुआ था इस ट्रीटी के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे इफ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज सब्स्राइब टूअर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो